हेलो एवरीवन अभी तक हमने इस मैगजीन के थ्री सेक्शंस को डिस्कस किया दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी एंड थर्ड वाज फाइनेंशियल मार्केट एंड नाउ वी विल स्टार्ट आर डिस्कशन ऑन द फोर्थ सेक्शन ऑफ दिस मैगजीन दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट सो जो पहला इशू है वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो जितने भी रिपोर्ट्स और इंडेक्स आते हैं इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें जाननी होती है वो ये कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन से पब्लिश होती है कौन इसको पब्लिश करता है एंड वॉट आर द बेसिक पिलर ऑफ दैट रिपोर्ट और दैट एनी इंडेक्स कि किस ग्राउंड पर किस बेस uh, पर इसको तैयार किया गया है सो द वेरी फर्स्ट इज़ मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स सो जो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स है ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज़ करता है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज डेवलप्ड इन टू थाउजेंड टेन सो so, दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको बनाते हैं फर्स्ट इज़ यू एंड सेकेंड इज ऑक्सफोर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओके सो जो बेसिक थीम है इस इंडेक्स uh, की ये इंडेक्स ये कहता है कि पोवर्टी इज़ नॉट ए यूनी डायमेंशनल सिर्फ कम पैसा कमाने से लो इनकम पीपल ही गरीब हो ये ज़रूरी नहीं है बट ये कहता है दैट पोवर्टी इज़ मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी के बहुत सारे डायमेंशन हैं लाइक पुअर हेल्थ कंडीशन पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क कॉन्फ्लिक सोशल वायलेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके सो ये जो रिपोर्ट है बेसिकली ये थ्री डायमेंशंस पे बेस्ड है ये रिपोर्ट तीन चीजों को एसेस करती है फर्स्ट इज एजुकेशन फर्स्ट इज एजुकेशन देन हेल्थ एंड थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इसके तीन डायमेंशन हैं एंड देन दीज थ्री डायमेंशंस आर सब डिवाइडेड इंटू टेन इंडिकेटर्स लाइक हेल्थ है तो हेल्थ में न्यूट्रीशन एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग स्कूलिंग अटेंडेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो ये जो रिपोर्ट है ये तीन डायमेंशंस को कवर करती है और तीन डायमेंशंस के टेन इंडिकेटर्स पर रिसर्च करती है ओके okay. सो so ये जो इंडेक्स होता है मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव इंडेक्स होता है जो हर एक पर्सन को ईच पर्सन इन ए हाउस होल्ड इज क्लासिफाइड एज पुअर और नॉन पुअर बाई दिस इंडेक्स ओके सो ये दो चीज़ें काउंट करता है द इंटेंसिटी ऑफ द पोवर्टी एंड ऑल्सो द इंसिडेंस ऑफ द पोवर्टी इंसिडेंस ऑफ पोवर्टी इंसिडेंस ऑफ पोवर्टी सिंपली मीन्स द हेड काउंट द पर्सन हु आर पुअर ओके इट मीन ये हर एक एक घर में हर एक व्यक्ति को क्लासीफाई करता है दैट दिस पर्सन इज ए पुअर और नॉन पुअर

और देर आर फोर स्टेट्स इन इंडिया हु आर एस एक्यूट पुअर स्टेट जैसे कि बिहार झारखंड एम पी यूपी और ये सारी की सारी स्टेट्स में बहुत काम हो रहा है और कंटिन्यूसली इंडिया में लोग पोवर्टी लाइन से ऊपर आते जा रहे हैं ओके नाउ द सेकेंड इज़ अदर रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस कुछ और रिपोर्ट्स और इंडाइसिस दी गई हैं देख लेते हैं ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स सो ये जो इंडेक्स है ये पब्लिश कौन करता है सबसे पहली चीज़ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट आपको सबसे पहली चीज़ यही जानना है कि ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है तो दिस रिपोर्ट इज़ रिलीज बाई इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट अब ये रिपोर्ट करती क्या है सो so, ये दुनिया की तमाम शहरों को एनालिसिस करता है और देर आर फाइव फैक्टर्स ऑन विच सॉरी सो देर आर फाइव फैक्टर्स फाइव डायमेंशन ऑन विच दिस इंडेक्स असेस द वेरियस सिटीज़ तो आपको ये जानना है कि रिलीज़ कौन करता है और इसके कौन से पांच फैक्टर्स हैं तो यहाँ देख रखें दैट इज़ दबिलिटी देन हेल्थ केयर कल्चर एंड एनवायरमेंट एजुकेशन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर और इन पाँच डायमेंशन पर बेस्ड एक इंडेक्स तैयार किया जाता है और उसमें सिटीज़ को रैंकिंग दी जाती है तो लगातार इस बार भी ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना फर्स्ट पे रही है लास्ट ईयर भी वी एन फर्स्ट पे थी और शायद लास्ट टू लास्ट ईयर भी वीना फर्स्ट पोजिशन पे ही थी ओके देन इज़ ऑफ 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 लिविंग 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 इंडेक्स 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 क्या है <coughs> so, जो है सो so, जो इट बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सो हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो इस इंडेक्स को रिलीज करती है और इस इंडेक्स का मेन मकसद जो है मेन मोटो जो है वो है टू प्रोवाइड होलिस्टिक व्यू ऑफ इंडियन सिटीज़ भारत के जो शहर हैं उनको असेस करना वहाँ पे गवर्नमेंट की क्या सर्विसेज हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है वहाँ पे बाकी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज कैसी हैं तो आपको यहाँ जा, जानना क्या है दैट अ पर्टिकुलर रिपोर्ट और इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय होम रिलीज बाय होम एंड सेकेंड थिंगज़ वॉट आर द पिल्लर्स वाट आर द डायमेंशन ऑफ दिस रिपोर्ट तो ये जो रिपोर्ट होती है इसके यूजअली तीन पिल्लर हैं तीन चीज़ों को ये असेस करती है फर्स्ट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ कि उस पर्टिकुलर सिटी में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है इकोनॉमिक एबिलिटी एंड थर्ड इज़ द सस्टेनेबिलिटी और इन तीन डायमेंशंस के ऊपर इन तीन पिलर्स के ऊपर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है ओके इज मुनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स सो ये भी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की तरह ही है जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर पब्लिश करता है जो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स था वो हमारे देश की सिटीज़ को असेस करता है यूजुअली जो हंड्रेड स्मार्ट सिटीज़ हैं और फोटीन अदर सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन वन मिलियन से ज़्यादा है उन सिटीज़ को असेस करता है और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये हमारे देश की म्यूनिसपालीज़ को असेस करता है कि जो लोकल बॉडीज़ हैं वो क्या सर्विसेज़ देती हैं तो आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि इनके क्या डायमेंशनस हैं क्या पिलर्स हैं सो ईज़ ऑफ़ लिविंग इंडेक्स के तीन पिलर्स से और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स के फाइव पिलर्स हैं दैट इज द सर्विसेज लोकल बॉडीज क्या सर्विस प्रोवाइड करता है हाउ द लोकल बॉडी इज गेटिंग फाइनेंस देन प्लानिंग टेक्नोलॉजी एंड द गवर्नेंस और फिर इनको फर्दर ट्वेंटी इंडिकेटर्स में बांटा जाता है वो सब आपको नहीं याद रखना है आपको सिंपल याद रखना है कि ये इंडेक्स ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है एंड आर द बेसिक पिलर ऑफ दिस रिपोर्ट ओके नाउ थर्ड टॉपिक थर्ड टॉपिकज सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर जी आई जी इकानमी फॉर गिग इकोनॉमीज ओके सो न्यूज़ क्या कहती है दैट अ ड्राफ्ट कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हैज़ प्रपोज दैट सेंटर में फॉर्मुलेट सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर जी आई जी वर्कर्स और गिग वर्कर्स तो न्यूज़ ये कह रही है जो गिग इकानमीज होती हैं जो गिग वर्कर्स होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कर रही है तो हमें यहाँ जान लेना चाहिए दो तीन चीज़ें दैट वॉट इज गिग इकॉनमी व्हाट इज गिग वर्कर्स देन वॉट आर प्लेटफॉर्म वर्कर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके तो गिग इकोनॉमी क्या होती है गिग इकॉनमी और जी आई जी कोई भी इकॉनमी जहाँ पे कोई भी कंपनी या कोई भी आ, जो भी कॉरपोरेट है वो परमानेंट वर्कर्स को हायर करने की जगह कोई शॉर्ट टर्म पर कोई पार्ट टाइम वर्कर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर हायर करता है तो उस इकोनॉमिक मॉडल को गिग इकॉनमी कहा जाता है ओके okay. और वो वर्कर जो उस इकॉनमी में उस इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं उनको गिग वर्कर कहा जाता है सो so यूजुअली ये सारे वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हो गए जो फॉर्मलाइज सेक्टर के वर्कर होते हैं उनके लिए तो काफ़ी सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं बट जो इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करने वाले वर्कर्स होते हैं उनके लिए कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम अवेलेबल नहीं होती है सो सेंटर ने ही कहा है दैट सेंटर इज प्लानिंग टू फॉर्मुलेट अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर डीज वर्कर्स सो किॉनमी जहाँ पे फुल टाइम की जगह कुछ पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्कर्स को हायर कर लिया जाता है उन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है ओके देन सोशल सिक्योरिटी स्कीम में क्या प्रोवाइड किया जाता है मैटरनिटी बेनिफिट ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो यहाँ पे दो चीज़ आपको जाननी है गिग इकोनॉमी क्या होता है गिग वर्कर्स क्या होते हैं और दूसरी चीज़ एक प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होते हैं ओके okay. सो so, प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होते हैं कोई भी एक कंपनी है एंड दैट कंपनी इज़ यूजिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड इट्स सर्विसज टू द पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल स्विगी फॉर एग्जाम्पल इस मैगजीन में जो एग्जाम्पल दिया गया है ऊबर सो so, uh, हम कोई भी एग्जाम्पल ले लो लेट्स से स्विगी तो स्विगी एक कंपनी है जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करती है ताकि वो अपनी सर्विसेज बाकी मासेस को प्रोवाइड कर सके सो so, इस सिस्टम में जो लोग एम्प्लॉय जो वर्क करते हैं जिन लोगों को हायर करती है दैट इज़ डिलीवरी बॉयज़ जो होते हैं उन वर्कर्स को कहा जाता है प्लेटफॉर्म वर्कर्स सो प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर डिफर फ्राम गिग वर्कर्स गिग वर्कर्स बेस्ड ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट दीज आर फ्री लैंसर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक सिविल सर्विस कोचिंग इंस्टीट्यूट है और उस इंस्टीट्यूट ने किसी एक हाई प्रोफाइल हाई क्वालिफाइड प्रोफेसर को अपॉइंट किया एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कि आपको थ्री मंथ्स में ये सब्जेक्ट्स हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो वो प्रोफेसर आएँगे आपको तीन महीने वो सिलेबस ख़त्म कराएँगे और वह चले जाएँगे सो दैट प्रोफेसर इज़ गिग वर्कर्स ओके एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो कि किसी जो कंपनी जो किसी प्लेटफॉर्म पर वर्क करती है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उनको कहा जाता है प्लेटफॉर्म वर्कर्स सो ये जो वर्कर्स होते हैं इनके लिए कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम अवेलेबल नहीं है देश में तो गवर्नमेंट इन्हीं के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रही है देन <coughs> कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड क्या होता है कोड सिंपली मीन्स कि जहाँ बहुत सारे लॉज होते हैं उन सभी लॉज को सिंप्लीफाई करके कोडिफाइड करके कंसोलिडेट करके एक जगह रख दिया जाता है देन उसको कहा जाता है कोड फॉर एग्जाम्पल आई इंडियन पीनल कोड देन आई बी सी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सो वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन को प्रिपेयर किया है गवर्नमेंट ने जहाँ पे इंडस्ट्रीज रिलेशन से रिलेटेड जितने भी लॉज थे उनको कोडिफाइड कंसोलिडेट करके एक जगह रखा गया है सो आपको ये जानना है कि इस कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन में कितने लॉज को गवर्नमेंट ने अमेंड किया है और कंसोलिडेट किया है तो इसके अंदर थ्री लॉज हैं ट्रेड यूनियन एक्ट देन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट एंड लास्ट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इन तीनों एक्ट्स को समड अप करके कंपाइल करके एक कोड तैयार किया गया है ओके देन सिमिलरली कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी तैयार किया गया है जिसमें नाइन सेंट्रल लेबर एक्ट को कंसोलिडेट किया गया है ओके okay. और उसी प्रकार से कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी तैयार किया गया है तो इसमें तकरीबन तकरीबन थर्टीन लेबर लॉस को रिप्लेस करने की कोशिश की गई है और कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई है फिर जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अलावा कोड ऑन वेजेस तैयार किया गया है ठीक है तो इसमें भी जो बहुत सारे लॉज हुआ करते थे इंडिया में उनको कंपाइल करके एक कोड बनाया जाएगा और जो कोड ऑन वेजेस है इसकी सबसे खास बात यह है कि गवर्नमेंट इसमें एक प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया है दैट इज़ फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेजेस कुछ मिनिमम वेजेस फिक्स किए जाएंगे और ये जो वेजेस फ़िक्स किए जाएंगे मिनिमम ये किसी भी जेंडर के लिए डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होंगे मींस कि चाहे मेल हो फीमेल हो उनके लिए मिनिमम वेजेस फिक्स होंगे और अभी हालांकि ये सब डिफाइन नहीं किया गया है बट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डू ऑल दीज थिंग्स सो इसमें जो वेजेस होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और दोनों में से कोई भी नोटिफाई कर सकता है ओके द फोर्थ इज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कुछ ऑर्डर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय विल बी एंटाइटल्ड टू प्रोविडेंट फंड बेनिफिट सो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय कैन से फ्री लैंस गिग वर्कर्स सो जो इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करते हैं उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल इम्प्लॉय हैं उन्हें भी प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत बेनिफिट दिया जाना चाहिए ओके okay. सो so, वही सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है आपको यहाँ जान लेना चाहिए आ, कि ये आ, ई क्या है जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम है ये क्या चीज़ है सो नाइनटीन फिफ्टी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया दैट इज़ कॉल्ड ई एक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ओके और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर वर्क करता है सो so, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने तीन स्कीम फॉर्मुलेट की हैं फर्स्ट okay. फौर इज स्कीम फॉर पेंशन ओके सेकेंड इज स्कीम फॉर इंश्योरेंस एंड थर्ड इज स्कीम फॉर प्रोविडेंट फंड दैट इज एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम सो जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो यही कह रहा है जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं उन सभी को एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत बेनिफिट मिलना चाहिए सो ई पी एफ स्कीम क्या है ई पी एफ स्कीम जो है ये एक जनरली एक सेविंग स्कीम है कि वो सारे ऑर्गेनाइजेशन वो सारे एम्प्लॉय जो कि कम से कम बीस वर्कर्स को रोज़गार देते हैं उन्हें ये स्कीम फॉलो करनी होती है इसमें जो भी आप अपने वर्कर को सैलरी देते हो उसका ट्वेल्व परसेंट डिडक्ट करना होता है और रिमेनिंग ट्वेल्व परसेंट उनका एम्प्लॉय पे करता है ओके okay, और फिर ये सारे सेव कर दिए जाते हैं ई अकाउंट्स में और आफ्टर रिटायरमेंट इस पे इंटरेस्ट के साथ उस वर्कर को पे किया जाता है सो so, आपको ये ध्यान रखना है कि वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज इंप्लॉइंग मिनिमम ट्वेंटी वर्कर्स आर लाइबल टू गिव ई पी एफ सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लॉय हैं उनके लिए भी ई पी एफ बेनिफिट इंट्रोड्यूस करना चाहिए ओके फिफ्थ टॉपिक इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है बजट <coughs> स्पीच uh, में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था दैट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेटअप अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ सीबी सेबी के अंदर एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेटअप किया जाएगा तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या ये काम क्या करेगा सो so, ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा इट विल बी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑन विच सोशल इंटरप्राइजेज द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन विल बी लिस्टेड सो दैट दे केन रेस कैपिटल फ्राम द मार्केट ठीक है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे हमारी जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या जो सोशल इंटरप्राइजेज होती हैं सोशल इंटरप्राइजेस मतलब कि वो कोई भी इंटरप्राइज़ जो हो सकता है वो प्रोफिट के लिए काम करती है या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और वो हमारी सोसाइटी के लिए वक्त करती है लेट्स ए हॉस्पिटल लेट्स ए एजुकेशन uh, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्कूल्स ओके सो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सारे क्या हैं सोशल इंटरप्राइजेज हैं तो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये सोशल इंटरप्राइजेस और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड होंगे एंड देन कॉमन पीपल कैन ईशू कैन परचेस शेयर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन सो ये जो है सेबी के अंडर वर्क करेगा और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है इट इज़ ऑलरेडी वर्किंग इन मैनी कंट्रीज लाइक कैनिया यूके कैनेडा वहाँ पर ऑलरेडी वर्क कर रहा है ओके नाउ दिक्सथ इशू इज रिलेटेड टू इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो उसका एक मोटो तो होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है ओके okay. सो so, इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है दैट अपार्ट फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट इट्स मोटो इज टू बॉट सम चेंज इन द सोसाइटी इस इन्वेस्टमेंट से अगर सोसाइटी में कुछ सोशल uh, इकोनॉमिकल कोई भी इन्वामेंटल इम्पैक्ट होता है तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है जब सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जो हमारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और जो सोशल इंटरप्राइजेस लिस्टेड होंगे तो लोग उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे ओके अब ये जो सोशल इंटरप्राइजेस हैं ये कोई हॉस्पिटल हो सकते हैं कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो सकते हैं और ये सारे इंस्टीट्यूट वर्क करेंगे सोसाइटी में फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी ठीक है और इनका इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे इन टर्म ऑफ इकोनमी इन टर्म ऑफ लेट्स से इन्वायरमेंट और सोशल इम्पैक्ट भी होंगे तो इन्हीं इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनका मोटो जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना तो होता ही होता है बट इन इन्वेस्टमेंट से सोसाइटी में कुछ सोशल इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन सैनिटेशन इन सारी सर्विसेज में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसी को इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है तो, तो न्यूज़ यही कह रही है दैट इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट आर ग्रोइंग इन इंडिया ओके देन द सेवेंथ इशू इज नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स तो आपको यहाँ ये बिल्कुल नहीं याद करना है कि नोबल प्राइज किसको मिला है और नोबल प्राइज ने कब क्या शुरू किया वगैरह वगैरह आपको यह जानना है दैट नोबल प्राइज जो इस बार दिया गया है तीन लोगों को दिया गया है एंड इन्हें दिया क्यों गया है द नोबल प्राइज इज गिवन फॉर द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिमिनेट और टू एलिविएटिंग द ग्लोबल पॉवर्टी सो इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं अभिजीत बैनर्जी उनकी वाइफ और साथ में माइकल क्रैमर इन तीनों लोगों को जॉइंटली नोबेल प्राइज़ दिया गया इकोनॉमिक्स के लिए फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग पॉवर्टी ग्लोबल पॉवर्टी जो दुनिया में जो पूरी पॉवर्टी है उसको एलिमेट एलिमिनेट करने के लिए एलिवेट करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच डिजाइन की है ओके okay. <laughs> देखते हैं क्या है देयर न्यू एक्सपेरिमेंटल बेस्ड अप्रोच कॉल्ड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड डेवलपमेंट इकोनॉमीज ठीक है सो so, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड अप्रोच तैयार की है उसे कहा जाता है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल तो आपको पता होना चाहिए कि आरसीटी क्या होता है वॉट इज रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स सो आर है दिस मॉडल फिक्स बिग क्वेश्चन जैसे कि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पोवर्टी के पीछे है वो है वॉट इज अल्टीमेट कॉज ऑफ द पोवर्टी कि गरीबी हटाना है तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है कि वॉट इज द कॉज ऑफ पोवर्टी ओके सो जो आर मॉडल है जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स मॉडल है ये क्या करता है इट ट्राई टू ब्रेक डाउन दिस क्वेश्चन इन मल्टीपल सेगमेंट्स कि पोवर्टी है तो पोवर्टी क्यों है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसको बहुत सारे सेगमेंट्स में उसने ब्रेक करने की कोशिश करता है फॉर एग्जांपल पोवर्टी है तो क्यों है बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ बिकॉज ऑफ इन एडुकेट एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है फिर इसको फर्दर सेगमेंट में ब्रेक करते हैं फॉर एग्जाम्पल हेल्थ है तो हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है ओके मेडिसिनल प्रॉब्लम्स हो सकती है लैक ऑफ मेडिसिन लैक ऑफ हॉस्पिटल्स वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ओके okay. और फिर जो सबसे बेसिक यूनिट है फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन तो फिर इन लोगों ने वैक्सीनेशन पर रिसर्च किया कि क्या प्रॉब्लम है और फिर जो भी इन्होंने गाइडलाइंस दी या फिर जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए उनके बेसिस पर एक नई पॉलिसी डिज़ाइन की जाएगी एंड दैट एविडेंस विल डिसाइड वॉट इज़ नीड टू बी डन इन द प्रोसेस ऑफ एलिवेटिंग द पॉवर्टी ओके सो थ मॉडल इज कॉल्ड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि गरीबी हटाना है कैसे हटाना है तो गरीबी को बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया कि गरीबी के कारण क्या हैं हेल्थ है एजुकेशन है वगैरह वगैरह है फिर उसके फर्दर सेगमेंट्स किए और हर एक सेगमेंट पर रिसर्च की और फिर जो भी एविडेंसेस मिले कि ये प्रॉब्लम्स हैं उन पर काम करना और पॉलिसी बनाना शुरू किया गया सो so, इसी मॉडल के लिए इन्हें इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस मैगजीन दैट इज़ इंक्लूसिव डेवलपमेंट अगले सेक्शन में हम लोग फिफ्थ सेगमेंट को डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच